नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। आईपीएल किसी भी देश के खिलाड़ियों के लिए कितना अहम है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। आईपीएल से खिलाड़ियों की मोटी कमाई होती है। ऐसे में एक ओर जहां ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर डेविड वार्नर, पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ आईपीएल का इंतजार कर रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने कहा है कि इन खिलाड़ियों को आईपीएल की जगह ऑस्ट्रेलिया का घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। इयान चैपल का तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड इन खिलाड़ियों को काफी पैसा देता है और उन्हें आईपीएल नहीं खेलना चाहिए। आपको बता दें कि इस समय करीब 13 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के पास आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ बड़े करार हैं, जिनमें मुख्य तेज गेंदबाज पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स से 15.5 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला था, जिससे वो लीग में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप स्थगित हो जाता है तो COVID-19 महामारी के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए आईपीएल का 13वां चरण अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इससे आईपीएल और ऑस्ट्रेलिया का घरेलू सत्र एक ही समय पर होंगे, जिसमें शेफील्ड शील्ड और वनडे कप शामिल है। वहीं चैपल का कहना है कि इन दिनों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इन शीर्ष खिलाड़ियों की बहुत अच्छी देखभाल करता है, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें एक मजबूरी होगी। उन्होंने आगे कहा, अगर ऑस्ट्रेलिया में कम कमाई करने वाला खिलाड़ी है और उसे आईपीएल से काफी कमाई होने वाली है, तो अगर मैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड का सदस्य हूं तो मुझे उससे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन शीर्ष खिलाड़ियों को अच्छा वेतन दिया जाता है और ये तर्क यहां काम नहीं आएगा। उनकी बाध्यता ऑस्ट्रेलिया के लिए होनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने इस साल आईपीएल होने की स्थिति में इस T20 लीग में खेलने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें कमिंस और डेविड वार्नर शामिल है। आपको बता दें कि इयान चैपल भले ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को आईपीएल की जगह वहां के घरेलू क्रिकेट खेलने को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ही अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में जाने से नहीं रोकेगा। इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के रिश्ते हैं। दोनों बोर्ड मोटी कमाई के लिए एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। दोनों की घनिष्ठता शायद ही इयान चैपल के इस विचार को कभी सफल होने देगी।